हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है टीचर एग्जाम टारगेट। यदि अभी अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर आप पैडागोजी साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। हमने अपलोड करके शिक्षण विधियाँ लगभग सभी अपलोड कर दी हैं। आप इनको हमारी प्ले लिस्ट में जाकर शिक्षण विधियों की आप देख सकते हैं। तो आज हम हमारा नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी। प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी कौन होते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या समस्याएं होती हैं और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माता पिता ने अभी तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की होती। मतलब इनके माता पिता आमतौर पर निरक्षर होते हैं, इनके माता पिता ने प्राथमिक शिक्षा तक भी पूरी नहीं की होती। ऐसे बच्चों, ऐसे परिवारों से जो बच्चे आते हैं उनको हम प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी कहते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं जैसे स्वतंत्र अध्ययन एवं में कठिनाई। ये स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई महसूस करते हैं, मतलब स्वतंत्र अध्ययन ये नहीं कर सकते। शिक्षण प्रक्रिया में सामंजस्य बिठाना इनके लिए कठिन होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जो हमारी, उसमें ये संतुलन नहीं बना पाते। ऐसे बच्चे मुख्यतः वंचित समूह में रहते हैं, मतलब वंचित मतलब सुविधाएं जैसे उनको खाना पीना बढ़िया नहीं मिलता घर पे, मतलब कॉपी किताबें इस तरह की कुछ सुविधाएं नहीं होती, इनसे वंचित बच्चे होते हैं ये। आगे देखते हैं। चलो, परिवार से सहयोग न मिलने के कारण सामान्य बच्चों की तुलना में अधिगम प्रक्रिया में पिछड़ जाते हैं। ये परिवार से सहयोग न मिलने के कारण अपने अधिगम प्रक्रिया में पिछड़ जाते हैं। सामाजिक व आर्थिक परिवेश पिछड़ा होने के कारण लड़कियों की विद्यालय छोड़ने की दर सर्वाधिक होती है। ऐसे परिवारों से आने वाले बच्चों का सामाजिक आर्थिक परिवेश पिछड़ा हुआ आता है। लड़कियां ज्यादातर प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ देती हैं, इनकी दर सर्वाधिक होती है। ये विचारों को अभिव्यक्त करने में झिझकते हैं, अपने विचार ये प्रकट नहीं कर पाते, ये झिझक मानते हैं इस चीज में। इस प्रकार के बच्चों में आत्मविश्वास में कमी पाई जाती है। इस तरह के बच्चों में आत्मविश्वास की भी कमी पाई जा सक जाती है। शिक्षक के द्वारा भी इनके प्रति अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता। कई बार शिक्षक भी इनके ऊपर ध्यान नहीं देता, इनको नेगलेक्ट करता रहता है, इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पिछड़ जाते हैं। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पूर्व ही विद्यार्थी विद्यालय छोड़ देते हैं। इनमें से कई विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं जो प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही छोड़ देते हैं अपनी पढ़ाई। इसके कुछ कारण हैं जिसके कारण ये अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते। जैसे पिछड़ा सामाजिक प्रवेश, ये हमने पहले ही पढ़ा था, ये सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए वर्ग से आते हैं। शिक्षक द्वारा अपनी भूमिका का निर्वहन न करना। उचित तरीके से शिक्षक यदि अपनी भूमिका निर्वहन नहीं करता तो तब भी ये पिछड़ जाते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। आदिवासी क्षेत्रों के विद्यालयों में नामांकन से पूर्व बालकों का नाम बदल दिया जाता है, बालक की पहचान पर आघात पड़ता है इससे। आदिवासी क्षेत्रों के जो विद्यार्थी होते हैं वो आते हैं स्कूलों में, तो उनका शिक्षक का जैसे भीम अर्जुन की जगह मोहन सोहन नाम रख दिया जाता है, तो इससे उनको मानसिक आघात भी पहुंचता है, जिसके कारण वो मतलब ये सोचते हैं कि उनकी कोई विशेष पहचान नहीं, इसको धक्का पहुंचता है, इससे वे मतलब अपने आप को वंचित समझते हैं, अन्य बच्चों से अलग समझने लग जाते हैं। शिक्षकों को शिक्षार्थियों के संस्कृति एवं सामाजिक प्रवेश का ज्ञान नहीं होता, इसके कारण भी ये बच्चे पिछड़ जाते हैं, क्योंकि शिक्षक उनके सामाजिक और सांस्कृतिक प्रवेश से वाकिफ नहीं होता। कैसे सामाजिक और सांस्कृतिक प्रवेश से रहते हैं, इसके कारण ये बच्चे अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पिछड़ जाते हैं। ऐसे बालकों का सामान्य बालकों द्वारा उपहास। ऐसे बच्चों का सामान्य बच्चों द्वारा मजाक उड़ा जाता है, जिसके कारण ये मतलब गिल्ट फील करते हैं अपने मन में, जिसके कारण ये
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, बढ़ चढ़ कर इसे अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पिछड़ जाते हैं। प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी के शिक्षण प्रक्रिया में सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ सुझाव बताए गए हैं। इनका यदि हम फॉलो करें तो कुछ हद तक इनको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मतलब भागीदार बना सकते हैं और इनको अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बना सकते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों के संस्कृति के सामाजिक ज्ञान को प्रतिदिन के शिक्षण कार्य से जोड़ना, इनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को शिक्षण प्रक्रिया से जोड़ता है तो यदि अध्यापक तो ये अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। छात्रों में प्रेम, विश्वास व आत्मीयता विकसित करना, यदि शिक्षक छात्रों में आपस में अन्य विद्यार्थियों के साथ प्रेम पूर्वक इनसे व्यवहार करता है, अन्य विद्यार्थियों के साथ करता है वैसा ही व्यवहार करता है तो इनमें आत्मविश्वास का विकास होगा, इससे ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने लग जाएंगे। शिक्षक की भाषा सरल होनी चाहिए, इनका सामाजिक परिवेश ऐसा नहीं होता कि ये जटिल भाषाओं को समझ पाए, तो शिक्षक को अपने शिक्षण के समय भाषा सरल रखनी चाहिए। छात्रों की बुनियादी शिक्षा पर बल, इनको शारीरिक श्रम जैसे कार्यों में लगाना चाहिए, बुनियादी शिक्षा जैसे हाथ से कुछ कार्य करवाना, कुछ पेंटिंग बनवा ली जैसे कोई खिलौने बनवा ली मिट्टी के, इस तरह के मतलब बुनियादी शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए ताकि ये अपने आपको वंचित महसूस न करें और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बढ़ चढ़ कर भाग ले सकें। बालकों को योग्यता एवं प्रतिभा के विकास के समान अवसर प्रदान करना, इन बच्चों को अपनी योग्यता व प्रतिभा का भी विकास के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए ताकि ये अपना समुचित विकास कर सकें। तो ये थे कुछ सुझाव जिनके द्वारा हम इनको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भागीदार बना सकते हैं। तो हमने पहले पढ़ा प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी कौन होते हैं, या ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनके माता पिता ने प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं की होती, पिछड़ा सामाजिक प्रवेश होता है इनका, ये मतलब प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही विद्यालय छोड़ देते हैं। ऐसे विद्यार्थी मतलब कुछ कारण भी हैं जिनके कारण ये सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, जैसे पिछड़ा सामाजिक प्रवेश होता है इनका, शिक्षक द्वारा अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करना ठीक प्रकार से, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश का ज्ञान न होना शिक्षक को, इसके कारण ये शिक्षण प्रक्रिया में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते। जैसे इनके कुछ ये कुछ सुझाव है जिनके द्वारा हम इनको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भागीदार बना सकते हैं और अच्छे से इनको शिक्षण कर सकते हैं। जैसे इन विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के कार्यों को इनके सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से जोड़ना, बुनियादी शिक्षा देना, ये कुछ सुझाव थे जिसके द्वारा हम इनको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भागीदार बना सकते हैं और इनके समुचित विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये पढ़ा हमने प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी क्या होते हैं, कौन होते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।